हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो आज देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज क्या स्पेशल लेकर आया है, आइए देखते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को लेकर कई तरह के किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कहानी हिमाचल प्रदेश की मणिकर्ण को लेकर भी मशहूर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली थी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से 45 किमी दूर है मणिकर्ण। यहां हिंदू और सिख धर्म के ऐतिहासिक धर्म स्थल है। यहां प्रचलित कहानी के मुताबिक भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोली थी। दरअसल यहाँ की नदी में क्रीड़ा करते हुए एक बार माता पार्वती के कान के आभूषण की मणि पानी में गिर गई और पालात लोक में चली गई। ऐसा होने पर भगवान शिव ने अपने गणों को मणि ढूंढने को कहा। बहुत ढूंढने पर भी शिव गणों को मणि नहीं मिली। इस बात से क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। तीसरा नेत्र खुलते ही उनके नेत्रों से नैना देवी प्रकट हुई। इसलिए यह जगह नैना देवी की जन्मभूमि मानी जाती है। नैना देवी ने पाताल में जाकर शेषनाग से मणि लौटाने को कहा तो शेषनाग ने भगवान शिव को वह मणि भेंट कर दी। नदी में आज भी मौजूद हैं कई मणियां। मान्यताओं के अनुसार शेषनाग ने देवी पार्वती के मणि के अलावा भी कई मणियां भगवान शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उन्हें भेंट की थी। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी मणि पहचान कर उसे धारण करने को कहा था। बाकी सभी मणियों को पत्थर के रूप में बनाकर यहां की नदी में डाल दिया था। कहा जाता है शेषनाग की भेजी गई मणियां आज भी पत्थर के रूप में यहां नदी में मौजूद हैं। यहाँ पर शिव मंदिर के पास ही एक गर्म पानी का स्रोत भी है। यह गर्म पानी शीतल जल वाली पार्वती नदी से कुछ दूरी पर ही है। इसमें गर्म जल कहाँ से आता है, यह बात आज तक रहस्य बनी हुई है। इस गर्म पानी के स्रोत में गुरुद्वारे का प्रसाद बनाने के लिए चावल पकाए जाते हैं। चावल को बर्तन में रख कर इस यहाँ पर रख दिया जाता है तो कुछ ही मिनट में पक जाते हैं। यहाँ का पानी इतना गर्म होता है कि कोई भी इसमें हाथ तक नहीं डाल सकता। इस स्रोत के जल को पार्वती नदी के पानी में मिलाकर नहाने के लायक बनाया जाता है।